एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सहपऊ में स्थित आरती गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर है। लगभग 4500 की आबादी व 2200 वोटरों द्वारा विनीता कुमारी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 460 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 335 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 32 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंपों को भी रिपेयर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 9 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व चक रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 130 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, बारात घर, पशु चिकित्सालय, इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्राइमरी स्कूल में भी कराएँ, गाँव में भी कराएँ, जूनियर हाई स्कूल है उसमें भी कराएँ, नरेगा का भी काम कराया है, शौचालय अभियान भी चल रहा है, शौचालय ग्रामीण तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 325 का लक्ष्य है, 150 के लगभग बन चुके हैं। नरेगा का भी काम कराया है, शौचालय स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन पिछली वित्तीय वर्ष में 3 लोही आवास का निर्माण, पिछले वित्तीय वर्ष 16-17 सभी पंचवर्षीय उनके लिए प्रतिनिधियों के लिए पेंशन है, तो एक ये भी एक छोटे स्तर का प्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रधान है, उनके लिए भी पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, ये भी पंचवर्षीय उसमें मतलब जीत करके 5 साल के लिए वो थे, मानदेय है तो मानदेय पिछले कुछ बढ़ा दिया, उससे भी क्या होता है, वो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता मानदेय, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेंशन का है।